में ना ले, कहीं ना कहीं ड्राइवर को हमको अवेयर किया जा रहा है कि फिटनेस गाड़ी की जरूरत है, क्या कहना चाहते हैं? जो आज ये हमने फिटनेस मेला यहाँ से शुरू किया, 15 से लेके 19 तारीख तक चलेगा ये। इस फिटनेस मेले का मेन मकसद यही है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को गाड़ी की फिटनेस के बारे में अवेयर किया जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो फिट गाड़ियां हैं वही इस वक्त सड़कों पर चलें, उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये किया है। हमें कुछ पता चला था कि ड्राइवर्स को कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है फिटनेस करवाने में, और इसमें इसीलिए हमने ये ऑन स्पॉट जो है वो सर्टिफिकेट जो है डिलीवरेशन का भी टाइम उसी दिन देने का भी एक तैयार किया, और उसी तरह से आज डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए हैं। और जो लोग इस फिटनेस मेला के दौरान अपनी गाड़ियों के टेस्ट करवाएंगे उनको सर्टिफिकेट उसी दौरान जो है वो दिए जाएंगे। बात की जाती है कि ड्राइवर ऐसे फिटनेस नहीं करवाते हैं, क्या जो फिटनेस नहीं करवाते हैं बाकी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, क्यों उनका लगाम कसी जाएगी? देखें, ऐसा जो है कि गाड़ी की फिटनेस के बगैर तो गाड़ी नहीं चल सकती है स्टेज के ऊपर। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसका टाइम टू टाइम पूरा चेकिंग करती हैं, और चलानिंग और बाकी चीज़ें भी होती हैं। हमारे जो ड्राइवर एसोसिएशंस हैं और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वो पूरा कोऑपरेशन हमें दे रहे हैं इस मसले में, और बड़े कम नोटिसेज में हमारे ऐसे आया है कि जहाँ पे कोई अनफिट गाड़ी या इस तरह की गाड़ी जिसको कि जिसके पास फिटनेस या वैलिड डॉक्यूमेंट ना हो वैसी चल रही हो, बहुत कम इस तरह की नोटिस में आए। और जो गाड़ियों इस तरह से नोटिस में आती हैं उनके उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। अभी भी काफ़ी सारी वारदातें होती हैं, जैसे खाई में गाड़ी चली गई, ट्रक चला गया, तो ड्राइवरों के लिए क्या कहना? देखें, इसमें तीन चार चीज़ें हैं जिस तरह अभी मैंने आपको बताया। एक तो जब भी एक्सीडेंट होता है उसके तीन कॉजेज़ में से कोई एक चार कॉजेज़ में से हो सकता है। एक तो सड़क की कंडीशन, दूसरा गाड़ी की कंडीशन, और दूसरा गाड़ी चलाने वाला, और चौथा सड़क के उस वक्त के मौजूदा हालात कैसे हैं। जिस तरह आपने पिछले दिनों देखा होगा यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें सड़क के ऊपर एकदम से अचानक से एक जानवर आ गया, जिसको बचाते बचाते गाड़ी वाले से एक एक्सीडेंट हो गया, तो किसकी गलती है ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही सामने आता है, और जो चीज़ सामने आती है उसके अगेंस्ट जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है।